हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिलदार फार्मेसी जिन बच्चों के अंदर दूध का हजम न होना कब्ज की शिकायत रहना पेट में गैस बनना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात करेंगे ड्रॉप अरिस्टोजाइम के बारे में कि इस ड्रॉप को देने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस ड्रॉप को कैसे देना है क्या क्या सावधानी रखनी है इन सब के बारे में बात करेंगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यदि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं बात करें इस ड्रॉप के कंपोजिशन की इसमें डाइजेस 33.33 पॉइंट थ्री थ्री एम पाया जाता है पेप्सिन फाइव एम पाया जाता है इस ड्रॉप को अरिस्टो कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है बात करें इस ड्रॉप के प्राइस की इसका प्राइस पचपन रुपये पचपन पैसे होता है जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है बात करें इस ड्रॉप के फ़ायदे की कि इस ड्रॉप को किन किन बीमारियों में दे सकते हैं फ्रेंड्स अरिस्टोजाइम ड्रॉप पेडेटिक ड्रॉप होती है जो कि जीरो से छः महीने तक के बच्चे को दे सकते हैं ये औरल ड्रॉप होती है यह ड्रॉप एरिस्टोजाइम पेट के हजमे को दुरुस्त रखती है दूध को हजम करती है कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती है जिन बच्चों के अंदर बार बार दूध डालने जैसी समस्या या जिन बच्चों के अंदर पेट में खुश्की लेटरिन का चार से पाँच दिन में करना जैसी समस्याएं होती हैं तो इस ड्रॉप को लगातार कुछ समय के लिए दे सकते हैं जिसके इस्तेमाल करने से बच्चे को राहत मिल जाती है बात करें है इस ड्रॉप के डोज की कि इस ड्रॉप को कितनी मात्रा में देना है जिन बच्चों की उम्र ज़ीरो से तीन महीने है तो इस ड्रॉप को तीन तीन बूंद दिन में तीन बार दे सकते हैं दूध पिलाने के बाद और जिन बच्चों की उम्र जीरो से छः महीने है तो इस ड्रॉप को पाँच पाँच बूंद या छः छः बूंद दिन में तीन बार दे सकते हैं तो बात करें इस ड्रॉप के साइड इफ़ेक्ट की इस ड्रॉप के अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से बच्चे को पेट ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स वीडियो से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद